तो फ्रेंड्स 8:30 हो चुके हैं और मैं अब खाना बना रही हूँ। भाई भी खाना खा रहा है मेरे साथ, आइस मसाज फेस पे। मैंने अपना पिटारा निकाल दिया है, फेस पे थोड़ा सा एक्टिव रखने हैं। एक तो यहाँ पे है और इधर की साइड है, क्योंकि मुझे आज मेरा सुबह सुबह खाली पेट। तो सब हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निधि तोफाल व्लॉग्स में, और मैं हूँ निधि तोफाल। और मेरी व्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है शाम की 7 बजे से, वो भी ऊपर छत से। तो फ्रेंड्स, आपको पीछे से बारिश की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी हल्की हल्की, क्योंकि अभी हल्की सी बारिश हो रही है। क्योंकि 11 बजे से अभी 7 बज चुकी हैं, तो नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। कभी मोटी हो रही है तो कभी हल्की हो रही है, पर हो ज़रूर रही है। और फ्रेंड्स 10:30 बजे तक इतनी मस्त कड़क धूप हो रही थी ना, तो मैं बता नहीं सकती, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि बारिश भी हो जाएगी अचानक से। तो मैंने फटाफट से कपड़े वगैरह धुले, ऊपर छत में जैसे ही डाले वैसे ही यहाँ बारिश हो गई, हमारे कपड़े वैसे के वैसे ही रह गए। और उसके बाद अब उनको थोड़ा सा पंखे के नीचे डालना पड़ेगा, तब जाके वो थोड़ा बहुत सूख पाएंगे, वरना ना स्मेल आती है कपड़ों से और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर मुझे फिर से धुलने पड़ेंगे वो कपड़े, तो मुझे डबल काम नहीं करना भाई अपना, इसलिए पंखे के नीचे डाल दूँगी उन्हें, तो तभी जाके थोड़ा बहुत सूखेंगे और थोड़ा मतलब ये है कि स्मेल नहीं मारेंगे वो थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको पूरा दिखाऊंगी आज अपना नाइट रूटीन, कि मैं पूरे रात भर मतलब 7:30 बजे से 10:30 बजे तक क्या क्या करूंगी वो आपको दिखाऊंगी इस ब्लॉग में। तो मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिएगा, तो इस ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं बनाती हूँ सबसे पहले अब नीचे जाके खाना, तो खाने में क्या बनाऊँगी वो आपको दिखाऊँगी थोड़ी देर में। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स 8:30 हो चुके हैं और मैं अब खाना बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स सब्जी तो मेरी बन गई है, जिसमें कि आलू और शिमला मिर्च बनाई मैंने, वो भी बिना प्याज टमाटर के, क्योंकि टमाटर हम खा नहीं सकते क्योंकि रेट इतने हाई फाई हो रखे हैं और हम अंबानी की फैमिली से तो बिलोंग करते नहीं हैं, तो इसीलिए टमाटर हम खा नहीं रहे। और प्याज हम इस वजह से नहीं खा रहे क्योंकि सावन स्टार्ट हो गए आज से, तो सावन में हम प्याज नहीं खाते, तो इसलिए बिना प्याज टमाटर की हम सब्जी बना रहे हैं। मैंने सब्जी बनाई मतलब, और जीरा का ही तड़का मारा मैंने सिर्फ इसमें। तो बस मेरी सब्जी बन गई है, अब फटाफट से रोटी बनाती हूँ और देन आपसे मिलती हूँ आगे। फ्रेंड्स अभी मेरा खाना बन गया है और मैं खाना खाती हूँ, साथ में मेरा भाई भी खाना खा रहा है मेरे साथ। इसका ये भी कैमरे में शाही हो रहा है, क्या हो गया इतना अच्छा तो लग रहा है सुमी, अरे वो भी शर्मा रहा है और वो भी पता क्या देख रहा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहा है वो अभी। और अभी वो खाना खा रहा है, मैं भी खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। पर फ्रेंड्स इस खाने को कैसे खाना है जिसमें प्याज टमाटर ही नहीं है, मेरे तो गले से नीचे भी नहीं उतरेगा। बट क्या करें, जब तक सावन भी ख़त्म नहीं होते तो प्याज के बिना भी चलना पड़ेगा हमें, और अभी टमाटर भी इतने महंगे हो रहे हैं तो बिना टमाटर के भी हमें खाना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हम। बट बिना प्याज टमाटर के तो कुछ स्वाद ही नहीं आता यार, सब्जी या साग में या फिर दाल में किसी में भी नहीं। तो ये मेरा भाई है, वो भी कैमरे के आगे शर्मा रहा है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ आप आगे कि मैं क्या करूँगी, तब तक के लिए। फ्रेंड्स मैंने बर्तन वगैरह किचन वगैरह पूरा साफ कर दिया है, अब मैं अपने रूम पे आ चुकी हूँ और अब मैं अपना करती हूँ नाइट स्किन केयर, कि उसमें मैं क्या क्या करती हूँ, तो वो चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ना 2 टाइम ब्रश करती हूँ, एक सुबह को और एक शाम को मतलब रात को सोने से पहले। तो पहले फटाफट से अपना टूथपेस्ट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं ना फेस वॉश करूँगी, फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ गार्नियर का नीम फेस वॉश, तो फटाफट से करती हूँ।
फेस वॉश के बाद मैं यूज़ करती हूँ आइस मसाज फेस पे, और इससे क्या होता है तो मैंने उसका भी एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, तो आप प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को भी। तो उसमें मैंने आपको डिटेल में बता रखा है कि आइस मसाज से क्या बेनिफिट मिलता है हमारे फेस को। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ इसे। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना है कि जो मसाज होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन हो, तो हमारी स्किन बहुत टाइट होती है, हमारे पोर्स जो होते हैं ओपन पोर्स वो भी श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, 5 मिनट से ज़्यादा मुझसे नहीं होती आइसिंग, क्योंकि मुझे फेस पर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और थोड़ा रेडनेस भी हो जाती है फेस पे। रेडनेस होना एक नॉर्मल सी बात है, और क्योंकि फेस अगर कुछ ठंडा लगेगा तो ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा रेड हो जाता है, बट ये नॉर्मल है। 2 सेकंड के अंदर अंदर भी एकदम नॉर्मल हो जाती है स्किन। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना पिटारा निकाल दिया है, जिससे मैंने अभी अपना स्किन केयर के लिए सामान निकालना है। तो फ्रेंड्स, अभी ना मेरे फेस पे थोड़ा सा एक्टिव एक्ने है, एक तो यहाँ पे है और इधर की साइड है, क्योंकि मुझे आज मेरा फर्स्ट डे है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, तो एक्टिव पिंपल्स होना जाहिर सी बात है। तो फिलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ एस्ट्रोजन का टोनर, जो कि पिंपल्स के लिए, एक्ने के लिए बेस्ट है, एक्टिव पिंपल्स के लिए मोस्टली, और ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट ही है ये। तो मैं मोस्टली इसे ही यूज़ करती हूँ आजकल, क्योंकि मेरे पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं गर्मियों में। मैं बस, तो फ्रेंड्स, जहाँ पे ना एक्टिव पिंपल्स होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ी सी ना हल्की सी जलन मचती है, हल्की सी, पर 2 सेकंड के अंदर अंदर सही हो जाता है फिर बस। तो अब मैं लगा रही हूँ सीरम, जो कि है पाइनएप्पल। मेरा ना सीरम लगाने के बाद फेस पे एकदम ग्लो सा आ जाता है। अगर आप लोगों ने मेरी स्किन केयर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी चेकआउट करना, जो कि मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है, तो उसमें भी मैंने डिटेल में अपना सब कुछ बता रखा है, तो उस चीज़ को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो अभी मैं इसको लंबा व्लॉग नहीं बनाऊंगी और शॉर्ट बना रही हूँ, इसीलिए इसमें आप लोगों को मैं डिटेल से कुछ नहीं बता रही हूँ। अगर आप लोगों को जानना है इन सब चीज़ के बारे में तो आप शॉर्ट वीडियो देख लेना, उसमें आपको मेरा नाइट स्किन केयर का रूटीन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मेरा सीरम भी लग गया है, अब मैं इसे लगाऊंगी जेल मॉइस्चराइज़र, जो कि D10 का ही है, मैं यही लगाती हूँ। तो मैंने इसमें ना टी ट्री ऑयल भी यूज़ कर रखा है, तो सही है मेरे स्किन के लिए। जब पिंपल्स होते हैं ना मुझे मोस्टली, तो मैं यही लगाती हूँ तो एकदम ठीक हो जाते हैं। मैं लास्ट में ना आईब्रोज पे लगाऊंगी कैस्टर ऑयल, इससे हमारी जो आईब्रो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा घनी हो जाती है, फटाफट से ग्रो होती है। मेरे तो आईब्रो ही नहीं है तो इसलिए मैं लगाना पड़ता है मुझे, तो मेरी आईब्रो थोड़ी सी घनी आ जाती है। वैसे भी मैं आजकल भालू जैसे हो रखी हूँ, क्योंकि मैंने 2 महीनों से अपने आईब्रो ही नहीं बनवाई है, क्योंकि ना मैं जब गांव में शादी में गई थी अपने भाई की, तो मेरी बहन ने मेरी एक आईब्रो यहाँ से उड़ा दी थी, जिससे फिर बहुत बेकार लग रहा था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा ग्रोथ कर लेती हूँ आईब्रोज़ की, उसके बाद मैं बनवाऊँगी। तो शायद से मैं कल या परसों में बनवाऊँगी आईब्रोज़, तो अभी फ़िलहाल तो भालू जैसे हो रही हूँ मैं। और अब मैं लिप्स पर लगाऊँगी विटामिन ई ऑयल, तो बस मेरा स्किन केयर ख़त्म हो चुका है। बस मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, जैसे CTM
क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए वो तो मेरा हो गया है। और आईब्रोज, लिप्स का तो मैंने एक्स्ट्रा किया है ताकि थोड़ा सा ये भी, इन पे भी ध्यान चला जाए मेरा। तो बस अब मैं फटाफट से ना अपने बालों पे एक बार कोम्ब मार देती हूँ, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत उलझते हैं, अगर मैं रात को कोम्ब नहीं मारूँगी तो सुबह ना वो झाड़ू जैसे हो जाते हैं मेरे, पहले ही झाड़ू जैसे हैं, यहाँ देखो पहले ही झाड़ू जैसे हैं मेरे बाल। इन पे भी कोम्ब मार देती हूँ एक बार। फ्रेंड्स, मेरी स्किन का भी हो गया, मेरा हेयर भी हो गया, बस अब मैं करूँगी लास्ट स्टेप, वो मैं अब आपको बता दूँ कि मैं लास्ट स्टेप क्या करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं ना डेली नट्स कंज्यूम करती हूँ सुबह सुबह खाली पेट, तो सबसे पहले मैंने येलो वाली किशमिश ली है और उसमें फिर मैं डालूँगी ब्लैक वाली किशमिश और चार बादाम डालूँगी मैं, कैसे बताऊँ आपको, चार बादाम, एक दो तीन चार, और एक अखरोट का ही डालूंगी हाफ, मैं पूरा नहीं लेती, हाफ लेती हूँ मैं सिर्फ। और इनको मैं पानी में भिगो दूंगी और सुबह खाली पेट कंज्यूम करूंगी। ये मेरा डेली का रूटीन होता है, तो मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि खाली पेट नट्स खाने का क्या बेनिफिट्स है। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको अपने अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।